जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के अरबाब नियाज़ करक सिटी में, और यहाँ पे शहाबुर रहमान है जिनका ताल्लुक करक से है। पश्तकत हमारे यहाँ एक छोटे कद के जो लोग होते हैं, इनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, इनका अपना कोटा है, इनके लिए मौके भी नहीं। लेकिन शहाबुर रहमान जिनका ताल्लुक करक से है, एक हौसला मंद तालिब इल्म है, और हैरान कन बात यह है कि इन्होंने एम फिल किया है और अपनी ही जो मतलब छोटे कद के जो लोग हैं इनके उन पर काम किया और बायोटेक्नोलॉजी की तालिबे इल्म रहे हैं। अभी हाल ही में पीएचडी के लिए उन्होंने अप्लाई किया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शहाब, ये बताइएगा कि ताल्लुक कैसे हैं आपका, और किताबें ले जाने आने में आपको क्या मुश्किलात दरपेश रही? बात यह है कि भाई जान के बचपन से लेके एफसी तक तो ज़्यादा किताबें होती हैं, मतलब छः छः किताबें होती हैं, छः छः कापियाँ होती हैं, तो बहुत मुश्किलें हुई क्योंकि बस्ता उठाना, बैग लेके जाना, रास्तों में एक एक किलोमीटर स्कूल तक जाना और फिर गाड़ी में चढ़ना। हमारे यहाँ इस तरह गाड़ी होती है कि वो थोड़ी बड़ी होती है, तो उसमें चढ़ना, फिर लोगों का नए नए लोगों के साथ मजाक हंसी बर्दाश्त करना, तो ये सब मुश्किलात तो हुई है मुझे और बचपन में। और उसके बाद तो इंसान बड़ा हो जाता है और फिर यूनिवर्सिटी में फिर लोगों का हंसना, लेकिन मैंने अपना हौसला नहीं खोया और कोशिश की कि आगे बढ़ूँ और अपना मकसद पूरा कर लूँ। अच्छा शहाब, अभी आपके मजामीन क्या रहे हैं और अभी क्या इरादा है, क्या किया आपने और इन फ्यूचर में क्या इरादे हैं? मैंने बीएस बायोटेक्नोलॉजी क्वार्ट यूनिवर्सिटी की है और एमफिल हज़ारा यूनिवर्सिटी से जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से क्लियर किया है। तो मैंने एमफिल में अकाउंट रिप्लेसर पे काम किया है, जो छोटे पस डॉर्फ एजम लोगों पे काम किया है जो छोटे कद के होते हैं। तो मेरा बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैं छोटा क्यों हूँ और ये क्या वजह है कि मेरी कद रह गई है ना, तो उसकी वजह से मैंने प्री मेडिकल लिया और प्री मेडिकल के बाद तो मैंने यही फील्ड अपने लिए सेलेक्ट किया कि मैं इसी फील्ड में आके जाके ना तो इस पर पीएचडी करूँ, और कोशिश है कि इंशाल्लाह पीएचडी करूँ। अभी मैंने डिफरेंट ममालिक में अप्लाई किया है डिफरेंट स्कॉलरशिप पे, और खुशी की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले अचानक से ऑफ़र भी आई है, ईमेल भी आई है कि उसने टैलेंट पे मुझे सेलेक्ट किया है, टीसीपी प्रोग्राम पे, स्टूडेंट टैलेंट प्रोग्राम पे सेलेक्ट किया है, और इंशाल्लाह जल्द ही वो वीज़ा भेज देंगे। शुक्रिया जी। ये शहाबुर रहमान थे जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जो जुनूबी अजला है, जो सबसे पसमानदा है पेशावर की बनस्बत करक, लेकिन इस नौजवान की ये हिम्मत है, इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि ये पढ़ रहे हैं और एमफिल किया है, और इसी तरह के तकरीबन पूरी सूबे में इन जैसे 250 के करीब जो है रजिस्टर जो है अफराद है जिनकी को वो इस उम्मीद पर हैं कि हुकूमत उनकी मदद करे और वो आगे बढ़े। जी।